नमस्कार दोस्तों, स्किल इको मार्ट में आप सबका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपसे वादा है कि किसी भी प्रकार की स्किल डेवलपमेंट और एनजीओ के ग्रांट से संबंधित स्कीम आपके आपके पास लेकर आएंगे, उसी तर्ज में 2024 की बेहतरीन शुरुआत के साथ आज हम एक शानदार स्कीम लेकर आए हैं ट्रेनिंग से संबंधित, जिसके अंदर आप आर्टिशियंस को ट्रेनिंग दे पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, स्कीम का नाम है गुरु शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, और इसका ऑनलाइन सबसे पहले आप ये जान लें कि स्कीम के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। स्कीम के लिए आवेदन 5/1/2024 से आप 21/1/2024 तक ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर पाएंगे अनेक्चर वन को फिल करके। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले इसकी कंप्लीट गाइडलाइन के लिए हम जल्द एक वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम इस कंप्लीट स्कीम की कंप्लीट गाइडलाइंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिलहाल हम कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सारी एनजीओ को अनेक्चर 2 के साथ ये सबमिट करना है। इसकी सबमिशन की वेबसाइट क्या है, वो है www.handicraft.nic.in। ये इसकी मुख्य वेबसाइट है जहां पर जाकर आपको ऑनलाइन सबमिशन करना होगा। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए, कुछ हल्का सा हम अनेक्चर वन के बारे में आपको बताना चाहेंगे। ये स्कीम जो है वो जो हैंडीक्राफ्ट्स आर नॉन्स फॉर एथेस्टिक एसोसिएटेड ट्रेडिशनल वैल्यू यूनिकनेस क्वालिटी और क्राफ्टमैनशिप के लिए है। इस स्कीम का पूरा नाम गुरु शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण प्रोग्राम है। इस स्कीम के अंदर जो भी नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन के अलाइन कोर्सेज हैं हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड, या फिर समर्थ जो टेक्सटाइल की एक स्कीम है उसमें जितने कोर्सेज हैं उनमें ट्रेनिंग दी जा सकती है। एक साथ 20 से 30 आर्टिशन को ट्रेनिंग दी जाएगी और हर एक आर्टिशंस का एक रेलेवेंट पहचान आइडेंटिटी कार्ड होना अनिवार्य है। हाँ दोस्तों, आप एक बात और जानना चाहेंगे कि इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंट क्या होगा, यानी कि इसमें पेमेंट हमें कैसे मिलेगी, एनजीओ को ग्रांट कैसे मिलेगा। हाँ दोस्तों, एक एनजीओ के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट की एक टेबल दी गई है। इस टेबल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो स्पेस रेंट और ट्रेनिंग रिलेटेड टूल और इक्विपमेंट के लिए आपको 70,000 पर प्रोग्राम फॉर टूल्स एंड इक्विपमेंट के लिए 7500 रुपए पर मंथ स्पेस रेंट आपको मिलेगा। सेकंड पॉइंट, आर्टिशंस को वेज कंपनसेशन, यानी कि जो आर्टिशन ट्रेनिंग लेने आएंगे उनको भी 300 रुपीज पर ट्रे के हिसाब से पेमेंट मिलेगी। मास्टर ट्रेनर को अगर आप एम्पैनल करवा रहे हो तो उसको रुपीज 30,000 पर मंथ और एडिशनल अमाउंट जो है वो 4,000 अगर वो आउट स्टेशन पर है तो उसको मिलेगा। कंपनसेशन ऑफ वेस्टेज ऑफ रू मटेरियल में 60 रुपीज पर डे पर ट्रेनी, यानी अगर वो आर्टिशन यहाँ पर आएंगे कुछ सीखेंगे तो कुछ ऐसा छोटा छोटा इक्विपमेंट होता है जो यूज में आता है, तो उसके लिए पर आर्टिशन 60 रुपीज पर डे मिलेगा। अगर कारपेट रूम रेंटल अगर कारपेट लूम्स अगर आपने रेंटल पर लिए हैं तो 1,000 रुपये पर लूम पर मंथ फॉर मैक्सिमम 5 लूम्स आपको मिलेगा। उसके अलावा मिसेलनियस एक्सपेंडिचर ए और ई को जोड़कर टोटल उसका 5% और एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस में 3% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट्स ए टू एफ सारा जोड़ के उसका 3% एक एनजीओ को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, अब वो अनेक्चर टू भी थोड़ा सा देख लेते हैं जिसको भरकर आपको भेजना है। सबसे पहले देखिए, एनेक्चर टू बहुत छोटा है। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक ब्रीफ प्रोफाइल बताएं कि वो किस प्रकार से आपको एम्पैनल किया जाए, उसका कंप्लीट प्रपोजल आपको तैयार करना जरूरी है। हो सके तो आपके ऑर्गेनाइजेशन की ब्रीफ एनुअल रिपोर्ट जरूर लगाएं, जिसमें लास्ट 3 ईयर में अगर आपने हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड कोई काम किया है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद लगेगी आपको एम्पैनल करने में। सबसे पहले नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि वो गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट है, एड्रेस, नीति आयोग पे दर्पण आईडी होनी जरूरी है,
PFMS अगर यूनिक आईडी अवेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज आप NA लिख सकते हैं। उसके अलावा चीफ फंक्शनरी की डिटेल लिखेंगे, उसके अलावा कहाँ कहाँ आप इस स्कीम को एम्पैनल करना चाहते हैं और किस किस कोर्स में आप इसको एम्पैनल करना चाहते हैं वो डिटेल्स आपको बतानी होगी, और उसके आप किस कैटेगरी को लेंगे उसको भी आपको बताना होगा। देखिए दोस्तों, जैसे 13 पॉइंट में लिखा हुआ है फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन कंपोनेंट एंड टूल वाइज फाइनेंशियल ब्रेकअप टू बी अनेक्स्ट, वो आपको बताना होगा। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या क्या अटैच करने हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट आप देख लें। सबसे पहले आप अपनी संस्था का ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, MOA, बायलॉज, ऑडिटर बैलेंस शीट लास्ट 3 साल की, कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट फॉर लास्ट 3 साल की, और देखिए आपको मांग लिया ना एनुअल रिपोर्ट भी लास्ट 3 ईयर की मांगी है। उसके अलावा आपका बैंक अकाउंट्स की डिटेल आप लोग देंगे, एफिडेविट रिगार्डिंग मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ गवर्निंग बॉडी डू नॉट बिलोंग टू सेम फैमिली, ये भी आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा जो भी मेंबरशिप आपकी है उन जो भी 4 पॉइंट दिए गए हैं इन सब के लिए आप जो है करेंगे। उसके अलावा लास्ट में ई सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज पर्सन आप करेंगे डिजिटल सिग्नेचर की माध्यम से, और इस फॉर्म को आप अपलोड करोगे। ठीक है दोस्तों, तो एक शानदार स्कीम जिसको आप अप्लाई कर पाएंगे 21 जनवरी 2024 तक ऑनलाइन पोर्टल माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।